हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा गार्डन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं पिटूनिया के सीड्स को कैसे सेव किया जाता है यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पिटूनिया का है, अभी भी कितना अच्छा सा खिला हुआ है और कुछ तो अभी मेरा सूख गया है। जैसे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर फूल खिल के सूख गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगे, जो पसंद हो कलर का, पिटूनिया का फ्लावर का कलर, इसी हिसाब से देखिए ये इसका, जैसे ये मैच्योर हो गया है। इसको क्या करना है, अब इसको हल्का, देखिए मैं इसको आपको करके बता रहा हूँ, इसको हल्का क्रश कीजिएगा तो सीड्स अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए तो हवा से उड़ जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट देता हूँ। देखिए कितना सारा, एक्चुअली इसका सीड्स बहुत महीन होता है तो इसलिए अभी विंड चल रहा है हल्का, तो इसी में उड़ जा रहा है फ्रेंड्स। और मैं कलेक्ट करके से मिलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना सीड्स कलेक्ट किए, ये एक ही कलर का है। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस डिब्बे में डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको अच्छे से एयर टाइट वाला डिब्बे में रखिएगा। देखिए मेरा एक मेडिसिन का डिब्बा था। और हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिटूनिया यहाँ पर वाइट लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मेरा पिछले साल का जो मैंने सीड्स रखा था उसी से ग्रो किया हुआ सब पिटूनिया है। फ्रेंड्स, आप लोग भी चाहे तो ऐसे ही करके पिटूनिया के सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले साल आपको नर्सरी से पिटूनिया का प्लांट भी खरीदना नहीं पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीड्स रखना ही चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक एक कलर का सीड्स को अलग अलग रखिएगा, जिससे कि आपको पहचानने में आसान हो। थैंक यू फ्रेंड्स।